नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया ने जसूर के आईपीएच विश्राम गृह में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की उपलब्धि है जो दो महीने में बजट सेशन आया है और जो कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घोषणा की थी वो धरातल पर आना शुरू हो गई है। और अगर वे नूरपुर की बात करें तो फीना सिंह नहर अपने आप में खत्म होने वाली थी क्योंकि पिछली सरकार ने उसके लिए कोई भी कार्य नहीं किया था, ना उसको भारत सरकार के लिए भेजा था। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद ऐसा रिजल्ट आया है कि भारत सरकार जब 3 साल हिमाचल सरकार को बोलती रही कि हिमाचल सरकार ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, तो हिमाचल की कोई भी स्कीम को प्राथमिकता नहीं दी गई, ये बड़े शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा हिमाचल प्रदेश और एक भी स्कीम पर प्राथमिकता नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि इसके बाद उन्होंने खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से निवेदन किया और मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ रुपए की घोषणा नूरपुर की रैली में की थी। उन्होंने और भी 2 स्कीमों के लिए प्रोजेक्ट शुरू करने का वायदा किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले 2 साल में नूरपुर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी लगना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बहुत बड़ा बस अड्डा नूरपुर को मिलेगा, साथ ही 200 बिस्तर का अस्पताल भी तैयार होगा। उन्होंने कहा कि शहीद स्मारक तो मिला ही है, साथ में इको गार्डन भी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि केवल 2 महीने में ही भाजपा की सरकार ने कर दिखाई है। मैंने तो जो सरकार की उपलब्धि है 2 महीने की, जो बजट सेशन आया है और जो कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घोषणा की है वो धरातल पे आना शुरू हो रही है। और मैं तो नूरपुर की अगर बात करूंगा तो फीना सिंह नहर एक नेचुरल अपने आप में खत्म होने वाली थी क्योंकि पिछली सरकार ने उसके लिए कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं की थी और ना उसको प्रायोरिटी में दिल्ली को भारत सरकार के पास भेजा। ऐसा रिजल्ट ये हुआ कि भारत सरकार 3 साल लगातार जब हिमाचल सरकार को बोलती रही और जब हिमाचल सरकार ने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया तो हमें हिमाचल की कोई भी स्कीम जो है प्रायोरिटी में नहीं है। ये बड़ी शर्म की बात है कि इतना बड़ा हिमाचल प्रदेश एक भी स्कीम हमारी प्रायोरिटी में नहीं है। ऐसा रिजल्ट 2 स्कीमें हमारी मीडियम इरिगेशन की चल रही थी और दोनों ठंडे बस्ते में पड़ गई। उसके बाद हमने जाके मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, फिर रैली हुई, उसमें आगे 5 करोड़ रुपए दिया, अब 85 करोड़ रुपए उन्होंने और 2 स्कीम्स के लिए डाला, तो हमें अच्छा अमाउंट उसमें से मिल जाएगा। उससे हमारा ये है कि प्रोजेक्ट अब मरेगा नहीं, अब एक प्रोजेक्ट निकल जाएगा। हम उम्मीद करते हैं अगले 2 साल में हम पानी लगाना शुरू कर देंगे। और इसमें एक और चीज हमने इसमें चेंज की है, जो इस बार जो हम इरीगेशन करेंगे वो ड्रिप इरीगेशन से करेंगे ताकि इससे कम सोर्स में हम इससे ज्यादा पंचायतें कवर कर लेंगे। पहले हमारी 14 पंचायतें, अब हम लगभग 17-18 पंचायतें इसमें कवर करेंगे, ड्रिप इरीगेशन से पानी मिलेगा। और ये बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, हम ही ने शुरू किया तो हम इसका उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा बहुत बड़ा बस स्टैंड नूरपुर को मिला है, 200 बिस्तर का हॉस्पिटल मिला है, एक शहीद स्मारक मिला है, एक बुदुई में एक कुटीर मिली है फॉरेस्ट की, साथ में हमें इको गार्डन्स 2 मिले हैं। ये बहुत सी उपलब्धि है जो केवल 2 महीने में हमने की। एक बहुत बड़ी आईपीएच की स्कीम हम भारत सरकार से अप्रूव करा रहे हैं, मुझे उम्मीद है मई जून तक हम उसको करा लेंगे। 65 करोड़ रुपया तक हमें उम्मीद है कि 65 से 70 करोड़ रुपया हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए अलग से लेकर आ रहे हैं। सारी पाइप्स हम चेंज करना चाहते हैं क्योंकि इतनी लीकेज है, 40 से 70% लीकेज है प्रेजेंट स्कीम्स की। ये सारी प्रपोजल हमने एक दिन से काम करना शुरू कर दिया। आज मैं सुबह शिमला चल के आया हूँ, कल शाम को मैंने शिमला मीटिंग में वापस पहुंचूंगा, तो मेरे को दर्द है तभी मैं इतना भाग रहा हूँ। शिमला में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट मैं कर रहा हूँ क्योंकि मंडे को 12 तारीख को विधानसभा लगेगी, प्रश्नकाल में मेरे प्रश्न है, उसके बाद पहला स्पीकर भी मैं भाजपा की तरफ से। हम इतनी मेहनत किस लिए कर रहे हैं कि ताकि नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के जो पिछले 5 साल के घुटे हुए काम थे बंद हो चुके थे, उनको हम एक बार फिर रिवाइव कर सके, नूरपुर का विकास फिर हो सके।